हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद बोर्ड पर क्लास ले रहे हैं। तो आज की क्लास में जो एरर हैं वो नाउन से रिलेटेड हैं, और जो भी सेंटेंस लिखे हुए उनमें आपको कमेंट के माध्यम से ये बताना है सेंटेंस में कहाँ पर एरर हुआ है और नाउन से रिलेटेड किस तरह से हम उसे सही करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, द प्राइड ऑफ लॉयंस स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम स्लीपिंग। तो यहाँ पर देखें कि जो लॉयंस का प्राइड है, प्राइड का मतलब यहाँ पर घमंड से नहीं है, गर्व से नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका मीनिंग है क्लॉथ से, झुंड। ठीक है, लॉयंस के झुंड को हम क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। तो द प्राइड ऑफ लॉयंस स्पेंड्स, तो सब्जेक्ट देखो सबसे पहले क्या है, तो सब्जेक्ट है आपका द प्राइड ऑफ लॉयंस। रूल क्या कहता है कि जब भी कभी दो नाउन, दो या दो से ज़्यादा नाउन और प्रपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन की अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन वर्ब में ऐसे यस नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन लॉयंस प्लूरल है, लेकिन हमें वर्ब लगाना है प्राइड की अकॉर्डिंग, जिसका मतलब है फ्लॉट। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर हो गया, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा एस। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, द प्राइड ऑफ लॉयंस स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम स्लीपिंग, यानी कि जो लॉयंस का ग्रुप होता है वो ज़्यादातर समय अपना कैसे गुजारता है? सोते हुए गुजारता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस सेकंड, द जूरी हैव स्टिल नॉट अराइव्ड एट वर्डिक्ट। इस सेंटेंस में नाउन की मिस्टेक, और देखिए किस तरह का नाउन है और कहाँ पर कौन सी मिस्टेक इस सेंटेंस में हुई। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है आपका जूरी, जूरी आपका कैसा नाउन है? ये आपका सिंगुलर भी होता है, कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर भी यूज होते हैं और कुछ नाउन आपके प्लूरल भी प्रयोग किए जाते हैं, दोनों तरह से प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। लेकिन यहाँ पर कैसे पता चलेगा? वर्ब यूज हुई है तो यानी कि इसे हमने प्लूरल माना है। यहाँ पे लिखा है स्टिल नॉट अराइव्ड एट वर्डिक्ट, यानी वर्डिक्ट के स्थान पर अभी तक नहीं आए हैं। तो जूरी को जब एज ए ग्रुप के रूप में समझा जाए, एक यूनिट के रूप में माना जाए, तो फिर वो सिंगुलर हो जाता है और उसके साथ हमें जो वर्ब यूज करनी होती है वो वर्ब आपकी फिर सिंगुलर प्रयोग होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैज, तो ये सेंटेंस सही होगा। तीसरा सेंटेंस देखें, द फ्रेंच आर्मी वर डिफीटेड एट वाटरलू। कि जो फ्रेंच की आर्मी है, फ्रांस की जो सेना है, वो वाटरलू जो हुआ था उसमें क्या हो गई? डिफीट हो गई किसी के द्वारा। सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस है। ध्यान देना है कि ये सेंटेंस आपका कैसा लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस। ठीक, अब देखो तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, आर्मी को एज ए ग्रुप के रूप में माना जा रहा है। जब एज ए ग्रुप के रूप में माना जा रहा है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी फिर वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इसके स्थान पर आपका जो राइट आंसर होगा वो वॉच का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है फोर, इसमें है द कमेटी ऑफ सेवन वॉज अपॉइंटेड, यानी सात लोगों की कमेटी को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। कमेटी कैसा नाउन है? ये आपका सिंगुलर नाउन भी होता है कमेटी, और प्लूरल नाउन भी होता है, दोनों तरह का नाउन है कमेटी, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल बात हो रही है, वन बाई वन सेवन लोगों की बात हो रही है, और मैंने अभी बोला कि जब भी दो नाउन के बीच में और प्रपोजिशन जुड़ा हो तो वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो कमेटी यहाँ पर प्लूरल है, वॉच का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको वर्ब प्रयोग करना है। और ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, वॉच वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सा टेंस बना है? ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया है, और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेंटेंस फाइव, द मैगजीन्स कवर इज टॉर्न ऑन बोथ द साइड्स। जो मैगजीन के कवर हैं वो दोनों तरफ से फटे हुए हैं। अब बोलो कहाँ पर राइट आंसर होगा? ये हो गया आपका सब्जेक्ट, द मैगजीन्स कवर। तो यहाँ पर मिस्टेक है आपकी अपोस्ट्रोफी की। अपोस्ट्रोफी क्या मिस्टेक है? दो तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं, एक तो ऑफ के माध्यम से जो हम ऊपर कर रहे थे, और ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो पजेसिव, पजेसिव है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम पजेशन बता रहे हैं तो जो मैगजीन है ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर
ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। राइट लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे द कवर ऑफ द मैगजीन ठीक इज टॉर्न ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर है? इस तरह से आप इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। तो कैसे लगी क्लास? 5 सेंटेंस से छोटा था, लेकिन जो मैंने रूल्स बताए आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे या फिर रिवाइज हो गए होंगे। ऐसा कोई हार्ड नहीं है, इसके आगे और भी क्लासेस आती ही रहेंगी। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। थैंक यू।